के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से तैयार रहने को कहा है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद चीन तिलमिलाया हुआ है। भारत और चीन के बीच अक्सर सीमा विवाद देखने को मिलता है। गलवान घटना के बाद भारत चीन को लेकर बेहद सतर्क है। भारत ने गलवान के बाद चीन पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए और सामरिक तौर पर भी खुद को LAC पर काफी मजबूत किया है। इन सब के बीच जिनपिंग का बयान दोनों देशों के बीच तनाव को फिर से बढ़ा सकता है। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने लद्दाख बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से एक बात की है, साथ ही युद्ध की तैयारियों का जायजा भी लिया है। चीनी राष्ट्रपति ने सैनिकों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सैनिकों से बातचीत की। चीनी आर्मी से बातचीत के दौरान जिनपिंग ने पूछा, जंग के लिए हम कितने तैयार हैं? आपको बता दें कि जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के महासचिव भी हैं, साथ ही वह PLA के कमांडर इन चीफ भी हैं। कुछ महीने पहले ये कहा जा रहा था कि जिनपिंग की सत्ता जाने वाली है, लेकिन ये महज एक अफवाह ही साबित हुई। चीन मामलों के जानकारों की माने तो शी जिनपिंग चीन में पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं। शी जिनपिंग सैनिकों के बीच अक्सर जाते रहते हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान से तनाव के बीच भी जिनपिंग सेना के बीच पहुंचे थे। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच गतिरोध शुरू हुआ था। इसके बाद 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। चीन की ओर से किए गए इस विश्वासघात में भारत के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू समेत 20 जवान सैनिक शहीद हो गए थे। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में चीन के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ने बहुत बाद में ये माना कि उसके 5 सैनिक मारे गए थे। तब से तनाव के बीच दोनों देश गतिरोध सुलझाने के लिए 17 दौर की सैन्य वार्ता कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 Digital। धन्यवाद।